नमस्कार दोस्तों, मैं विजय टुडू और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा एक बड़ा बनाने की विधि। जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ा बनेगा हम लोग का, केकड़े जो पानी में पाया जाता है, जिनको हमारे क्षेत्रीय भाषा जो संथाली है वो उसमें काटकोम कहा जाता है, उससे बनेगा। और चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं बड़ा बनाने की विधि। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एक कटोरा में ये केकड़े रखे हुए हैं और इन्हीं केकड़े को हम लोग जो है इसका पेस्ट बना के इनका हम लोग जो बड़ा बनाएंगे। यहाँ आप देख सक रहे हैं, यहाँ हम लोग का पत्थर है, ये पत्थर जो है मसाले कूटने वाला पत्थर है। और इनके साथ हम लोग मिलाएंगे ये हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, प्याज और अदरक, और साथ ही साथ थोड़े से जीरे भी है। सबसे पहले इन जीरों को और इन मसालों को इसमें पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम लोग जो केकड़े हैं इनका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का जो मसाला है वो हो चुका है, बारीकी से पीस लिए हैं। और इसके बाद हम लोग ये केकड़ा है, इन केकड़ों को मसाला कूटने का मत्थर है उसी में हम लोग उसको कोटेंगे और इसका भी बारीकी से जो है पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर का भाग हम लोग नहीं लेंगे, उसको फेंक देंगे यहाँ पे। तो अब इसमें नमक दिया जा रहा है, हल्दी पाउडर दिया जा रहा है, जो मसाला जो पीसे थे उसको वो साथ में देंगे और इन सब को जो है एक साथ पूरी तरीके से मिक्स करना है हमें। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे, इसको मिक्स किया जा रहा है बढ़िया से। जो अगला स्टेप है, कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल डालेंगे और उसमें हम लोग को ये बड़ा जो है हम लोग छोड़ेंगे। तो हम लोग का जो बड़ा बनाने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बड़ा बना के निकाल लिए हैं और यहाँ पे प्लेट में हम लोग रखे हैं। और मैंने उसके साथ प्याज रखा है, उसके साथ थोड़ा एक हरी मिर्च रखा हुआ है और अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। बहुत अच्छा बना है। और अब ऐसे ही जो केकड़े का पकौड़ी भी बड़ा है आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारे वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।